यथावत। आगामी सप्ताह है यथावत कक्षा चलती। इसको ये भी बोल सकते हैं कि आगामी सप्ताह है सम्यक कक्षा चलती। तो नॉर्मल या ऑप्टिमम जिस तरह से है वो सम्यक उस शब्द उसके लिए उपयोग होता है ना। आपने कुछ बोला मोहाजी? सम्यक का मतलब पूछ रही थी, फिर आपने कह दिया। हाँ, और हम आज एक बार ये लता के उदाहरण पूरे करते हैं, उसके बाद फिर हम उस पे भी आएंगे जो हमने दिनों के बारे में पढ़ा था, उससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा और ज्ञान है। दिनों के अतिरिक्त सप्ताह, महीने, वर्ष, उनसे जुड़ी हुई थोड़ी सी बातें हैं। जैसे अभी मैंने आगामी सप्ताह उपयोग किया, तो गत सप्ताह है आगामी सप्ताह, बीता हुआ सप्ताह आने वाला सप्ताह, उसी अच्छा, प्रकार गत वर्ष आगामी वर्ष, गत मास आगामी मास। ये छोटे छोटे उपयोग हैं जो हम वाक्यों में कुछ प्रयोग करके देखेंगे तो थोड़ी आदत बनेगी। वैसे मैंने जैसे बोला आपको, शायद उतना तो ध्यान में पहले से भी होगा कि आगामी और गत हम उपयोग कर सकते हैं, पर उसको उपयोग हम करते भी हाँ करते भी हैं, हिंदी में तो करते ही हैं। अभी संस्कृत में भी हम थोड़ा सा वाक्य प्रयोग करके उसको मन में बिठा लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने लता की पंचमी तक वाक्य प्रयोग कर लिया था। पंचमी का वाक्य क्या था? लतायाः, मतलब लता से अलग होने वाला जो क्रिया है वो होनी है। तो वानरः लतायाः पतति, या पर्णाः लतायाः पतन्ति। तो पत्ते गिर रहे हैं या बंदर गिर रहे हैं, पत्ते भी गिर सकते हैं, बंदर भी गिर सकते हैं लता से, तो हमने सबको गिरा दिया। और लताभ्यः भी यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पत्ते और बंदर एक लता से या पांच छह लताओं से भी गिर सकते हैं, लेकिन जी वानरः यदि बोला तो वो एक वानर है, तो वो लताभ्यः पतंती नहीं हो सकता, क्योंकि एक वानर बहुत सारी लताओं से तो गिर नहीं सकता। जी लेकिन वानर आह यदि कर दिया तब हम बहुत सारी लताएं बोल सकते हैं कि लताभ्यः पतन्ति। ठीक है, तो ये पंचमी का उपयोग हो गया। अभी विभक्तियों का थोड़ा थोड़ा बैठ रहा है दिमाग में, जी पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जो अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग। तो अगर लग रहा है, कठिन लग रहा है सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ा सा। हाँ, वो अभ्यास की बात है। आप जैसे, मैंने भी जब पहली बार ये, पहले तो आपको याद होगा कि हमने सिर्फ एक वचन की विभक्तियां सीखी थी, और अब हम पूरी तरह सारी विभक्तियां सीख रहे हैं, मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों हैं उसमें। और बालक के लिए भी हमने, मतलब अकारांत पुल्लिंग के लिए भी हमने सीखा, और अभी अकारांत हमने स्त्रीलिंग के ये लिए। चीज बताई है आचार्य महोदय कि ये चीज इतनी अप्रिशिएट क्यों की जाती है संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को, किसी योग है ना अभी और अपने। लैंग्वेज में ये नहीं है और संस्कृत में है। इसका क्या कारण है कि इसको इतना अप्रिसिएशन मिलता है? कि नहीं, संस्कृत नहीं होने से दूसरी भाषाओं में क्या कठिनाई आती है? एक्सप्रेशन, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन है ना। देखो, एक वचन और बहुवचन तो लगभग सभी भाषाओं में होता है, जी ठीक है। द्विवचन संस्कृत में विशेष है, और उसका उपयोग अधिकतर जहाँ पे जो फिक्स्ड दो चीजें होती हैं और शरीर के अंगों में होता है, और भी कई जगहों पे दो चीजें होती है, जैसे दो जूते होते हैं, दो चप्पलें होती हैं, इस तरह की दो दो चीजें जहाँ भी हैं, आंखें, कान, हाथ पैर, तो उनके लिए उपयोगी है द्विवचन।
और सिर्फ उनके लिए नहीं, हम इनको जैसे दो बालक, दो बच्चे, दो लड़कियां, दो लड़के, इसमें भी उपयोग करते हैं। जहां भी द्विवचन का काम आएगा वहां पे हम विशेष द्विवचन का उपयोग कर सकते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, एक बार हम ये जैसे अकारांत पुल्लिंग का हो चुका था, अभी आकारांत स्त्रीलिंग का भी एक बार जब ये पूरा हो जाएगा तो हम दोनों को आजू बाजू रखेंगे। क्योंकि ये भी होता है कि हमने एक बार वो किया, उसको कर लिया, अभ्यास हो गया, अभी थोड़े दिन बाद हम उसको थोड़ा थोड़ा भूलने जैसा लगते हैं। लेकिन जब दोनों को आजू बाजू रखेंगे ना, तो हम इन दोनों में समानताएं ढूंढेंगे। और मैंने भी इसी तरह से शुरू में ध्यान में लाया इसको कि इनमें समानताएं क्या हैं। मतलब जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये लताभ्य, ठीक है, ये चतुर्थी और पंचमी दोनों में लताभ्य बहुवचन में उपयोग होता है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, ठीक है। इसका मतलब है लताओं के लिए चतुर्थी में, और लताओं से ये पंचमी में है, और शब्द दोनों में संस्कृत के लिए लताभ्य ही है, ठीक है। अब हम बालक पे या राम वाले उस पे चलते हैं, उसका भी चतुर्थी और पंचमी देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपको समानता नजर आएगी, इसमें रामेभ्य और बालेभ्य है तो बहुत अलग नहीं है, उसमें आ की मात्रा थी और इसमें ए की मात्रा है, सिर्फ उतना ही अंतर है। तो अब जब हम इन दोनों को आजू बाजू रख के देखेंगे, एक बार लता का पूरा हो जाए उसके बाद देखेंगे, तब आपको याद रखने में और भी आसानी होने लगेगी, तब सरलता होगी। हम दोनों को आजू बाजू रख के कुछ समानताओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यदि कोई भी कठिनाई है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके लिए कोई सरल तरीका निकाला जाए, और ये तरीका मैंने निकाला है अभी। ओके उत्तम महोदय, आचार्य महोदय, नमो नमः। नवीन महोदय, हमको आप दिख नमो गए नमः। थे। आप क्षम्यताम, मुझे ये आखिरी रविवार है, इस रविवार से मेरा थोड़ा बोझ थोड़ा कम होगा। मेरी पत्नी आ गई है वापस तो। अच्छा अच्छा सुप्रभात महोदय। नमो नमः हाँ नवीन जी। तो आपने तो बोला था कि जब वो आ जाएंगी तो आपको थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा बाकी ये कक्षा में आना है ना? हाँ अभी अभी ये आखिरी रविवार है तो थोड़ा शी स्टिल जेट लैग। तो ओ अभी अभी आई हाँ हैं क्या? हाँ तो ओके 4 दिन ओके पहले आई है हाँ तो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, गुड। अभी तो वो टाइम है व्हेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर, जब जेट लैग होता है तो ज्यादा समझ में नहीं आता बहुत। ओके दैट इज अच्छी बात है, उत्तमम। आपके यहाँ सब ठीक है ना हाँ अति मोहा जी? उत्तमम। आप तो महा चैट में बोली थी सब ठीक है तो उत्तमम। जी हाँ अरे योगी, जो लोग योग के संपर्क में है ना और अच्छे हाँ से उनका योग ध्यान चलता है, उसको कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ सिर्फ एक बीमारी नहीं, उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती। इसलिए आजकल हम योग वीर की ट्रेनिंग भी चालू कर रहे हैं, प्रशिक्षण चालू किया है। तो हम लोग अपने दोस्तों को बुला के योग वीर में 3-4 आसन होते हैं, उनको किसी को भी सिखा सकते हैं, उसमें कोई ऐसे कोई फीस वीस नहीं है। ईशा ने अभी प्रमोशन चालू किया है कि योग वीर, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर दिन एटलीस्ट कम से कम 5 लोगों को वो योग के 4-5 आसन सिखा दो और करवा के। उत्तम तो जिस 30 मिनट्स लगते हैं और किसी को भी सिखा सकते हैं, उत्तम और वो किसी को भी अवेलेबल है। मतलब आप खुद, आप जैसे योगवीर ढूंढेंगे ना इंटरनेट पे, आपको भी मिल जाएगा। इफ यू वांट टू लर्न, 1 दिन में आप सीख जाएंगे और नेक्स्ट डे से आप किसी और को भी सिखा सकते हैं। तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरे को भी फायदा हो जाएगा उसका। तो मुझे पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ, ईशा वालों का ये है क्या फाउंडेशन का, जैसा ये योगवीर चल रहा है ऐसा ही वो कलरीपयट्टु का कुछ है क्या? कलरीपयट्टू ईशा का जो है बच्चों के लिए है,
ओ बड़ों के तो लिए। हाँ बड़ों का अभी मैंने भी मतलब जब मुझे पहली बार पता चला, मैं जब ईशा विद्या जो इनका विद्यालय है ईशा में, मैं वहां हाँ पहली बार हाँ जब गया था तो मैंने उनसे पूछा था कि कलरी पेटू यहाँ बच्चे तो करते हैं तो बड़ों के लिए भी है क्या, तो उस समय तक तो नहीं था ओके और अभी भी नहीं आया है, पर कलरी पयट के लिए मैंने दो तीन ऑलरेडी पहले अभी पता कर लिए हैं। मेरा एक मित्र है जो मंगलुरु केरल बॉर्डर के तरफ का है, हाँ हाँ कासरगोड। कासरगोड। हाँ कासरगोड हाँ मुझे पता है, मेरे मेरे भी एक मित्र है कासरगोड से। हाँ तो उसने मुझे तीन चार कांटेक्ट्स बताए हैं कलरीपयट के, उनमें से ओके एक दो से मैंने उनका नंबर भी ले लिया है। तो अब जैसे ही ट्रैवल और ये सब संभव होगा तो हाँ करेंगे। हाँ अभी उनने थोड़ा ऑनलाइन भी चालू कर दिया ओ कलरी पायर टू। है। हाँ मैं ओ तब उसका लिंक भेजता हूँ आपको, तो आपको इंटरेस्ट है तो हम लोग फिर साथ में भी कर सकते हैं। हाँ जा जा अवश्य करेंगे। क्योंकि उसमें मुझे भी बहुत उत्सुकता है कलरीपयट उत्तम। और वो भी क्षम्यता मोहाजी, एक और प्रश्न पूछना है संस्कृत के बारे में नहीं, और एक वो जो भी वो तेलुगु में करसामो बोलते हैं और तमिल में सिलाम्बम बोलते हैं, शायद हिंदी में कुछ है उसके लिए मुझे याद नहीं आ किस रहा। चीज के लिए, फॉर व्हाट? वो एक बैम्बू से लड़ते हैं ना, बैम्बू स्टिक से, ऐसा काफी वीडियो भी है ओ, बहुत तो सारे कलरी ना। पयट में ही तो होता है। नहीं वो महाराष्ट्र में बहुत करते हैं ना, महाराष्ट्र में भी दे स्पिन द बांस। बैम्बू बैम्बू दे स्पिन द बैम्बू एंड दे फाइट विद द बैम्बू स्टिक्स, मोस्ट लेडीज आई हैव सीन इन द वीडियोस। दंड प्रहार आप ऐसे बोल रहे हैं क्या? क्योंकि हाँ हाँ वो ऐसा ऐसा घुमाते रहते हैं उनको। ओके, यहाँ इस तरफ एक और भी कलरीपयट से प्रभावित एक और आर्ट फॉर्म होता है जिसको मलखम बोलते हैं, वो भी आपने सुना होगा। मलखम। हाँ हाँ ठीक है, ये मलखम हो, महाराष्ट्र में काफी पॉपुलर महाराष्ट्र में वो होता है। होता है। और ये जो दंड प्रहार है वो तो जनरली सभी जगह, मतलब वो एक्चुअली स्वयं सेवकों की, जो स्वयं सेविकाओं की और स्वयं सेवकों की शाखाएं होती है ना, उनमें भी सिखाते हैं दंड प्रहार। ओके और ओके वो बहुत एडवांस, मतलब बहुत मजेदार चीज भी है और बहुत एडवांस्ड लेवल्स तक भी जाते हैं, और सब फ्री है हाँ क्योंकि शाखाओं में है। वो मैं मेरे बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। तो आप शाखा में ज्वाइन करवा लीजिए और फिर वो जो भी शाखा के शिक्षक होंगे उनसे चर्चा कीजिए कि दंड प्रहार में बच्चों को कब चालू करवा सकते हैं। चालू करवा सकते हैं। हाँ क्योंकि दंड मेरे प्रहार। एक रिलेटिव का बेटी है, वो 7 साल की है, वो अभी शी स्टार्टेड ऑलरेडी। हाँ, हम मैंने फर्स्ट लेवल तक किया है तो मेरे पास ओके दंड प्रहार की पूरी जो स्वयंसेवक संघ के शॉप में उसकी एक छोटी सी पुस्तिका मिलती है, जैसे 10-10 रुपीज की पुस्तिका रहती है, उसमें दंड प्रहार के, यदि आपने ऑलरेडी सीख लिया है तो फिर वो पुस्तिका में आप एडवांस्ड चीजें भी कर सकते हैं उसको देख के, क्योंकि फिर वो इंस्ट्रक्शंस जो रहती है वो समझ में आने लगती है कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, दक्षिणावर्ती वामावर्ती, उसमें पूरा ओके संस्कृत में ही रहता है। ओके उत्तम। चलो तो चलिए संस्कृत हाँ वापस अब वापस आते आ जाते हैं। तो हमने पंचमी तक तो देख लिया था और मैं मोहा जी को, आपने सुना क्या जो मैं मोहा जी को बता रहा था कि हम लोग दोनों अकारांत और आकारांत पूरा करने के बाद इन दोनों को हम आजू बाजू रख के इनकी तुलना करेंगे कि क्या क्या हाँ समानताएं हैं, कि तो इसको हाँ याद हाँ रखने में आसान होने लगेगा जब हाँ हम हाँ तुलनात्मक देखेंगे। तो ठीक है, तो पहले एक बार एक खत्म कर लेते हैं, पंचमी तक तो हो ही गया है पिछली बार भी, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब षष्ठी जो है, षष्ठी मतलब का, के और लताया की, लताया मतलब महिलाया लता का, महिला हाँ का, मोहाया। ठीक है, तो लतायाः, लतयोः, लतानाम। हाँ
ठीक है, तो ये षष्ठी है। तो अब हम इसके वाक्य कोशिश करते हैं। तो नवीन जी एक वाक्य आप कोशिश कीजिए, कोई भी वचन में चलेगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो आपको अभी लेना हो ले सकते हैं। हाँ, लतायाः लतायाः पुत्री अनुष्का। अच्छा, हाँ, उत्तमम उत्तमम। लतायाः पुत्री अनुष्का। अनुष्का, उत्तमम। महामहोदया जी, आचार्य महोदय, वाक्य बनाना है आपको द्वि या बहुवचन में? कोई भी। नवीन जी ने एक वचन में दे दिया एक वाक्य, आपकी मर्जी, आप एक वचन भी कर सकती हैं, बहुवचन, द्विवचन, जो चाहिए वो कीजिए। लता नाम आच्छादन शीत शीतले अस्ति। लता नाम, आगे क्या बोलिए आप? अच्छानम, सॉरी, अच्छानम, क्या कहते हैं उसको, अरे नहीं तो आच्छादन, आच्छादन। और उसका अर्थ आप क्या बोलना चाहते हैं? छाया, छाया, छाया के लिए आच्छादित से जो शब्द होता है, अच्छा न, अच्छा, देखो हिंदी में हम परछाई उपयोग करते हैं। हाँ, नहीं, परछाई नहीं, आच्छादन होता है ना, मतलब उसका जो सरफेस होता है पूरा बना हुआ लताओं का, जो वो घना होता है जुड़ के, उसे आच्छादन कहते हैं ना, वो संस्कृत का ही शब्द है ना, मतलब, अरे ओके ठीक है, मतलब बहुत सारी लताएं जहाँ फैली हुई हैं, उसको जुड़ जाती है, उसे एक हप्पर की तरह जो बनता है। हाँ, तो लता नाम आच्छादनम शीतले अस्ति। शीत क्या बोल रही है? शीतले, मतलब ठंडा होता है उसके नीचे, ये कहना चाह रही है। शीतले तो शीतलता में हो जाएगा ना, शीतलम अस्ति, शीतलम अस्ति, लता नाम आच्छादनम शीतलम अस्ति। शीतलम और अस्ति हम यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, उसके बिना भी ये वाक्य पूरा है। लता नाम आच्छादनम शीतलम। तो द्वितीया बताऊं मैं? हाँ, द्विवचन। हाँ, द्विवचन, हाँ हाँ बोलिए। द्विवचन लोहम उत्तमम अस्ति। लोहम ना लौहम है, लोह है ना, मेरे ख्याल से लौह होता है, एक मिनट में पक्का कर देता हूँ, मुझे पता नहीं। लोहा होता है ना, आई थिंक संस्कृत में लौह ही होता है, लौह पुरुष। हाँ, लौह पुरुष बोलते हैं। लौह,
लव होता है क्या? सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल लव पुरुष। ओके ओके, तो लव ही होगा। हाँ मुझे पता नहीं था तो मैं हिंदी का उपयोग कर दिया लव। हाँ, छुरिकयोः लोहम उत्तमम् अस्ति। अच्छा, तो अब लोह उत्तम है, छुरिका का लोहा उत्तमम् अस्ति। एक मिनट, और उत्तमम पे भी हम पूरा कर सकते हैं। तो उधर लोहम, यहाँ लौह होना चाहिए। लोहा होनी चाहिए। ओके, हाँ लौह होना चाहिए क्योंकि वो करता है यहाँ पे। हाँ हाँ, कर्म, यदि कर्म होता, अभी हम कर्ता और कर्म पे भी करेंगे चर्चा आज, शायद देखते हैं आज संभव होगा तो आज कर लेंगे। एक बार पहले किया है क्या हमने, कि बालक सूर्य को देखता है और सूर्य बालक को देखता है, दोनों में अंतर कैसे पता लगेगा और हम जब वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा? क्या करेंगे करेंगे, बाद में करेंगे, अभी पहले हम नास मरामी। क्योंकि कर्म जहां पे भी है, जैसे बालक पुस्तकम पठती, तो पुस्तकम जो है वो कर्म है जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो जहां पे भी कर्म आता है वहां पे द्वितीया आ जाती है, द्वितीया विभक्ति। अहम लताम पश्यामी, बालक पुस्तकम पठती, तो पुस्तकम लताम, ये सारी द्वितीया विभक्ति है। तो जहां पे भी कर्म होगा वो कर्म अधिकतर द्वितीया में होता है। क्योंकि लताम तो एक वचन है ना, मैं समझी नहीं। लताम तो सभी वचन में होता है ना, लताम लते लताह, ये लिखा तो है। नहीं, आपने बोला ना द्वितीया में रहेगा, द्वितीया विभक्ति, ये विभक्ति है। देखो जब अपन द्वितीया बोलते हैं मतलब अपन विभक्ति की बात कर रहे हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया आ अंत में जब लगाएंगे तो वो विभक्तियां हैं। और जब हम वचन की बात कर रहे हैं, जो शायद आप सोच रही थी, वो एक वचन द्विवचन बहुवचन वैसा है, सिंगुलर प्लूरल और है ना। तो अभी षष्ठी हमारी हो गई, छुरिकयोः लोहः उत्तमम्। अब हम सप्तमी करते हैं, लतायाम लतयोः लतासु। थोड़ा सा अंतर है, एक बार मैं राम का भी आपको दिखा देता हूँ वापस, तो आपको ध्यान में आएगा। सप्तमी में राम और बाल का, रामे बाले ये एक वचन है, रामयोः बालयोः द्विवचन, और रामेषु बालेषु ये बहुवचन में है। तो आप ये देखिए कि यहाँ जो मात्राएं हैं, एक ही मात्रा रामेभ्यः बालेभ्यः में भी एक ही मात्रा लगी थी और रामेषु बालेषु में भी एक ही मात्रा लगी है। उसी प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग में पंचमी चतुर्थी पंचमी में आ की मात्रा लगी थी लता के साथ, लताभ्यः, और दोनों लताभ्यः लताभ्यः ही हैं। और यहाँ सप्तमी में भी लतासु, सो थोड़ा सा अंतर है पर समानता भी है। अंत में उसमें शु लग रहा है, इसमें सु लग रहा है। कैसे पता चलता है सु और शु? ये दिख तो रहा है सु। नहीं नहीं, आपने लिखा ठीक है, क्या लगाना होता है वो किस हिसाब से? अकारांत और आकारांत ना, आकारांत जब आएगा वो अकारांत स्त्रीलिंग में, ये स्त्रीलिंग शब्द है, अधिकतर आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, तो उसके लिए सु लगाते हैं, और अकारांत पुल्लिंग होता है मोस्टली,
उसके अच्छा, लिए सो स्त्रीलिंग है तो सो, और पुल्लिंग है हाँ तो चो, इसी हाँ रूल के हिसाब से। हाँ हाँ सत्य वचन। ठीक है, तो अब हम सप्तमी करते हैं। सप्तमी नवीन महोदय, सप्तमी में मैं या पर, लता के ऊपर या लता में, लता के अलावा दूसरा शब्द भी कोई ले सकते हैं, जैसे आपने छुरी का लिया था पिछली बार, तो कुछ भी चलेगा। लतायाम जलम अस्ति। जलबिंदु अस्ति। आप बोलना क्या चाहते हैं? लता हाँ, में लता लता पानी की बूंद है, लता के हाँ ऊपर पानी पानी के बूंद। हाँ, लतायाम जल जलम जल बिंदु बोलते हैं शायद, पता नहीं संस्कृत में कैसे बोलते हैं। बूंद, बिंदु इज पॉइंट, बूंद बूंद जो है वो वो हिंदी का है ना बूंद, हाँ, और या संस्कृत का तो वो संस्कृत से ही ड्रॉप। बना है, तो वही ड्रॉप के लिए। एक मिनट में पक्का करके बताता हूँ, बिंदु। हाँ तो वही है बिंदु। हाँ बिंदु जल बिंदु अस्ति। लतायां जलबिंदु अस्ति, तो लता के ऊपर पानी की बूंद है, जल की बूंद है। तो अब हम एक लता बनाएंगे। क्योंकि ये ऐसा जो दिखाने वाला चीज है, ये उससे ध्यान में भी रहेगा। हाँ महोदया, लतासु पर तुमि अस्ति। कृमि बोले तो कीटक है, कीड़ा। कीट कृमि, हाँ कीड़ा। हाँ वो कृमि है या कृमि है? आई थिंक संस्कृत में कृमि होता है ना, मेरे हिसाब से वो मुझे कृष्ण, ये कृष्ण वाला है। क्री जो हम कृष्ण बोलते हैं ना, तो कई लोग उसको कृष्ण भी बोलते हैं, लेकिन कृष्ण ज्यादा सही उच्चारण है, कृष्ण। प्रतिमा जी ने भी बोला था मुझे ध्यान में, मुझे जब कुछ कह रहे थे तब क्लास में, तो उन्होंने बोला था कि नहीं संस्कृत में हमेशा प्रोनाउंसिएशन कृष्ण ही होगा, कृष्ण नहीं होगा संस्कृत में। कृष्ण ही है, कृष्ण ही सही, शायद उस हिसाब से तो ये क्या हो। हाँ बहुत बढ़िया है, ये क्या हो गया, मैं जब मैं तेलुगु सिखाता हूँ इधर बच्चों को, मैंने ये क्या बोलते हैं ऑब्जर्व के लिए पता नहीं देखा है कि कुछ सारे कुछ उपाध्याय ऐसा सिखाते हैं वो स्वर में रु रु ओ ऊ साउंड थोड़ा आ जा रहा है तेलुगु और बाकी के लैंग्वेजेस में, व्हेन देयर आ अ अ अ ई ई उ ऊ रु रु बोल रहे। मैंने उसको उनको बताया, सही किया, वो ऊ साउंड कम कीजिए
ऋषि नहीं है, ऋषि ऋषि हाँ. है, तो उसमें से एक क्रू, इन लोगों को आदत हो गई, आदत हो गई कृष्णा, क्रू क्रू ऐसा आदत हो गई, वो गलत है, कृष्णा सही है. हाँ. हाँ. महाराष्ट्र में उसका उपयोग थोड़ा ज्यादा होता है, मैंने भी यहाँ पे भी देखा है, कृष्ण ऋषि ऋषिकेश. हाँ. मेरा एक दोस्त भी है वो ऋषिकेश है, लेकिन वो ऋषिकेश लिखता है, बोलता भी ऋषिकेश है. मेरा भी कजिन है, वो भी उसको ऋषु ऐसे ही कहा है, बोल मतलब कहते हैं ऋषिकेश ही बोलते हैं, ऋषिकेश नहीं बोलते. So over the years, संस्कृत भारती का ना एक वीडियो है जिसमें सिर्फ ये उच्चारण जो है ना, क ख ग घ, और ये तो व्यंजन हो गए, पर हम स्वरों की बात कर रहे हैं अभी, तो वो पूरा का पूरा स्वर का उच्चारण वाला एक वीडियो है, वो बहुत ही इनिशियल वीडियोस में है, शायद सेकंड या थर्ड. तो हम उसको बुकमार्क करके रखेंगे. हाँ, समूह में भेजिए. हाँ, क्योंकि सबको सबको उपयोग होगा, क्योंकि अब वो तो नहीं, वो सिर्फ प्रूफ के लिए है, क्योंकि हमने तो अपनी कक्षा में वो किया है पूरा, जो शुरू में हमने जब एक साल पहले जब चालू किया था तब हमने वो पूरा री वो सब किया था हमने. तो हमारे पास तो है, पर किसी और को यदि प्रूव करना है, क्योंकि ये संस्कृत भारती भी ऐसा बोलता है, मतलब यू वांट टू से सम ऑथेंटिक रिसोर्स की, ये लोग भी वही बोलते हैं, तो वो वाला वीडियो हम बुकमार्क करके रख सकते हैं, सो दैट इफ एनीबडी एल्स वांट्स. मुझे भी उपयोग होगा, क्योंकि कुछ लोग मानते नहीं है जल्दी. हाँ, चलेगा, और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो बचपन से शायद उनको वही आदत पड़ गई है, तो वो वही वैसे ही बोलते हैं, तो इट्स ओके, हम थोड़ा थोड़ा मिलजुल के करेक्शन कर सकते हैं. ओनली थिंग इज दे हैव टू बी विलिंग कि हाँ ओके वी कैन चेंज. ठीक है, लतासु कृमि अस्ति, लतासु वानराः संति. हाँ, लतासु खगाह संति, खगाह संति, चटकाह खगाह, आम कई सारे उपयोग कर सकते हैं हम. नहीं, चटकाह बोले तो एक चिड़िया, एक तरह पक्षी है ना. हाँ, चटकाह चिड़िया, ये जनरल वर्ड है, वो चातक होता है, आप चातक से कंफ्यूज हो रहे हो नवीन जी. ओह, चातक एक प्रकार का पक्षी है, एक पक्षी है जो चांद को देखता है, स्वाती नक्षत्र का जल लेता है. और चटका जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, मतलब चिड़िया, जनरल शब्द है चिड़िया के लिए. चिड़िया और खगाह बहुत चिड़िया से थोड़ा बड़ा रहने वाला साइज में, ऐसा मैंने ऐसा कोई अंतर तो नहीं देखा खगह और चटकाह में. खगह मतलब भी पक्षी, पक्षी मतलब भी पक्षी, विहगह मतलब भी पक्षी, तो पक्षी के लिए कई सारे शब्द हैं संस्कृत में शायद. हाँ, सो शायद आगे जाते जाते हुए और पता चले, जब हम संपदानंद जी के लेवल वाली क्लासेस जब लेना चालू करेंगे. जहाँ पे हम शब्दों के उसका जो जड़ है उसमें जाएंगे. हाँ, तो वो एक ही शब्द की अलग अलग जड़ें क्यों होती हैं, वो उसमें वो भी बताते हैं कि जैसे जलम है या वारी है, तो जलम क्यों है और वारी क्यों है. हाँ, दोनों एक ही पानी को ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, दोनों पानी के लिए ही हैं, पर वो अलग अलग क्यों है, तो वो उसके हर एक के रूट में उसका थोड़ा सा अंतर है. हाँ. जैसे इवन अब्ज, अब्ज अब्ज भी तो किसको बोलते हैं, अब्ज कमल को बोलते हैं शायद, तो कमलम भी है और अब्जम भी है. क्या मोहा जी, संख्या होती है ना अब्ज, अब्ज एक संख्या भी होती है शायद. अरब अरब खरब अब्ज, हाँ उसमें भी होता है,
मैं सिर्फ वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही शब्द के उसका बिहेवियर क्या है, उसके हिसाब से वो अलग अलग अर्थ में भी बोलते हैं एक ही शब्द को। पर ठीक है, जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे तब हम उसकी बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, अभी उसको साइड में कर देते हैं। लेकिन आप में से किसी को पता चले तो बताइएगा, कोई भी शब्द का। जैसे हमको रूट रूट वर्ड्स पता चलते हैं, उसकी जड़ वाले शब्द और उसका कोई उसके बारे में कोई विस्तृत विवरण मिलता है तो जरूर बताइए। जैसे वो लिहयति मुझे जब पता चला था, जब मैं वो लैंग्वेज करी का एक लेसन कर रहा था और उसमें बालकः पयोहिमं लिहयति था, तो वो बड़ा उसको पढ़ के बड़ा मजा आया कि लिहयति जो है ये कहाँ से आया। तो देख के मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि उसमें फोटो भी बनी हुई थी कि वो आइसक्रीम खा रहा है वो बच्चा। तो लिह्य जो है चाटना, लिख करना जो है वो है, और इंग्लिश का जो लिक है वो भी उसी में से निकल के आया है, वो भी उससे ही बना है। तो शायद विहंग या विहंग से विंग बनता है ना, सुनने में इतना सिमिलर लगता है विंग्स। विहंग बिल्कुल अलग शब्द है। नहीं नहीं मैं बस कंपेयर कर रही हूँ कि विहंग से विंग सिमिलर नहीं लगता। ओ वैसा, हाँ पंख हाँ विहग से विंग सिमिलर लगता है, हो सकता है कोई कनेक्शन हो। जैसे संस्कृत में रूट वर्ड्स होते हैं, वैसे इंग्लिश के भी रूट वर्ड्स ज्यादातर ग्रीक और लैटिन में हैं। तो हम उन भाषाओं में जाके जब देखेंगे कि विंग जो है ये कहाँ से आया, तो हो सकता है कुछ रिलेशन पता चले। वो एक अच्छा खासा रिसर्च का विषय है, हो सकता है किसी ने किया भी हो, शोध कार्य नहीं किया हो तो हम मुक्त हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं। और जो संबोधन है इसका, तो ये बिल्कुल जो प्रथमा है उसके जैसा ही है, हे लता हे लते हे लता। सिर्फ हे लग गया सामने, बाकी सब एक ही है। अभिलाष महोदय आ गया है। अरे वाह, अभिलाष जी भी आ गए, स्वागतम, नमो नमः अभिलाष महोदय। उनकी आवाज शायद नहीं आ रही है, बोलने की कोशिश तो की उन्होंने ऐसा लगा, एक मिनट। हेलो हेलो सर, नमो नमः महोदय, धन्यवाद। पर आप लेट कैसे हो गए, 7 बजे क्लास चालू होती, 7 PM। कक्षायाम तो आप अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा सब बाकियों के लिए। किस लैंग्वेज में सर? जो आपको पसंद है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, जो आपको चलता है। I will go with my native language, sir. हाँ, perfect. तेलुगु. हाँ, yes, तेलुगु. अंदर के नमस्कारम, ना पेर अभिलाष, नेनो आंध्र प्रदेश नुंची మాట్లాడుతున్నాను. నేను బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. నేను 6th క్లాస్ నుంచి 10th వరకు సాంస్క్రిట్ సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల నాకు సాంస్క్రిట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంది. అది ఇప్పుడు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని కూడా నాకు చాలా ఎక్సైట్మెంట్ గా ఉంది. అందరికి నమస్కారం ఫస్ట్. అంతే సార్, ధన్యవాదాలు. ఒక్కటి చెప్పాలి మీకు అభిలాష్ గారు, అభిలాష్ నువ్వు చిన్నవాడు కాబట్టి, నేను పెద్దవాడిని కాబట్టి అభిలాష్ అని పిలిస్తే పర్వాలేదు అనుకుంటున్నాను. ఏంటి గమనించింది నువ్వు పరిచయం చేసుకుంటున్నప్పుడు అంటే, నువ్వు ఆంగ్ల పదాలు సెలెక్ట్, ఇంట్రెస్ట్, ఎక్సైట్మెంట్ చాలా వాడేసావు. నువ్వు చెప్పేటప్పుడు ఐ విల్ గో విత్ మై నేటివ్ లాంగ్వేజ్ అన్నావు, కానీ అది నీ తప్పు కాదు, అది పరిస్థితుల ప్రభావం అలా ఉంది. నువ్వు ప్రయత్నించి
ఆంగ్ల పదాలు వాడకుండా తెలుగులోనే రోజు ఒక నిమిషం మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించు. అలా రోజు ఒక్క నిమిషం సాధన చేస్తే నీకు తెలుగు భాషలో కూడా ఆంగ్ల పదాలు వాడకుండా తెలుగు భాష మెరుగుపడుతుంది బాగా. నేను కూడా నీలాగా ఆంగ్ల మాధ్యమంలో చదివిన వ్యక్తినే ఇక్కడికి వచ్చి అమెరికా వచ్చి నా అంత గొప్పవాడు లేడనుకున్న వ్యక్తినే అయినా నేను గత 5 సంవత్సరాల నుంచి నా 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 దిక్కులే నా వ్యవహారమే మార్చుకున్నాను. ఎందుకంటే మన భాషల గురించి మన దేశం గొప్పదనం గురించి తెలుసుకున్నాను కాబట్టి. సో అందుకని నేను ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకి తెలుగు కూడా నేర్పిస్తాను. I'm teaching Telugu to other kids here in the US. आपने वो एक शीट बनाई थी ना जिसमें तेलुगु के शब्द और उनका इंग्लिश में कुछ एक शीट बनाई थी ना आपने नवीन जी, वो किस चीज की थी? संस्कृत एंड तेलुगु शब्दों का. हाँ, अभी आप अगर क्योंकि आप अगर ये खत्म कर देंगे तो मैं वो दिखा दूंगा, आप सबको शेयर कर दूंगा. अभी आज तो शायद संभव होगा मुश्किल से, क्योंकि अभी 3 मिनट ही बचे. अभी ज्यादा नहीं लगेगी, आप इनको शेयर कर सकते हैं, मतलब आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या अभिलाष जी को अलग से भी दे सकते हैं, क्योंकि उनको तेलुगु में इंटरेस्ट है. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि उनका भी गलती नहीं है, उनका सराउंडिंग्स और परिस्थिति ऐसा है कि सारे लोग आंग्ल शब्द लेके बोलते हैं. हाँ, वो कम करने के लिए हर दिन 1 मिनट हमारी भाषा में बात करना चाहिए. हाँ, शुद्ध तेलुगु, शुद्ध संस्कृत ऐसे, या शुद्ध संस्कृत में 1 मिनट या 2 मिनट बात करने का प्रयत्न किया तो वो हर दिन अच्छा होता जाएगा. हाँ सर, उत्तम. तो अभिलाष जी, आपको हिंदी भी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है और इंग्लिश तो ऑब्वियसली समझ में आता है ना? बात भी कर सकते. ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम कक्षा में दोनों जहाँ पे जिस भाषा की जरूरत आवश्यकता बढ़ती है हम उपयोग करते हैं. तो आपको यदि कहीं भी कुछ कठिनाई होगी तो आप बोल दीजिएगा, तो हम उसको हिंदी की जगह इंग्लिश में बोल के कोशिश कर लेंगे. जो भी भाषा होगी, नवीन जी भी हमारे साथ हैं तो वो तेलुगु में भी बता सकते हैं आपको, तो सब चलेगा. मोहा जी भी हैं, वो गुजराती में भी बता सकती हैं यदि आपको गुजराती में. सर, आप जब भी पढ़ाई करते समय संस्कृत में भी थोड़ा पढ़ाई करिए सर, मतलब व्हाइल स्पीकिंग. हाँ, हम पूरा संस्कृत में ही बातें करते हैं. वयम संस्कृते वदामः. हाँ ठीक है सर. मैंने जब भी क्लास अटेंड हुआ तब से आप हिंदी में ही बात कर रहे हैं सर, इसलिए पूछा. अच्छा, अब क्योंकि वो मेरी, जैसे आपकी मातृभाषा तेलुगु है वैसी मेरी मातृभाषा हिंदी है. हाँ. और एक और भी चीज है कि हिंदी बहुत ज्यादा काफी बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाती है, तो हम कोशिश करते हैं कि इंग्लिश की जगह हिंदी उपयोग करें, क्योंकि कम से कम वो फॉरेन भाषा नहीं है, हमारे देश के अंदर की भाषा है. हाँ. और आपको भी थोड़ा थोड़ा मतलब समझ में आएगा तो और मजा आएगा. जैसे मुझे तेलुगु बीच बीच में, मैं कभी कभी कोशिश करता हूँ, जब भी मैं हैदराबाद की तरफ जाता हूँ तो तेलुगु भी सीखता हूँ, फिर तमिलनाडु में जाता हूँ तो तमिल सीखता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ थोड़ी थोड़ी उधर की भाषा सीख जाता हूँ. ठीक है सर, मुझे हिंदी समझना इतना मुश्किल तो नहीं, तो बात करना तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल आता है. मैक्सिमम एक्सटेंट एंड नॉट यूज अदर लैंग्वेजेस वोकैबुलरी, दैट्स ऑल. तो वी विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम यूजिंग एनी लैंग्वेज, आपको जो अच्छा लगता है यूज कीजिए. Main purpose is to learn together. So we will learn together. Okay, sir. Okay. So, जो अष्ट
नमो नमः नवीन महोदय, नमो नमः अभिलाष महोदय, हेलो, नमो नमः अभिलाष महोदय सर, यार पर अभी ओनली वी जस्ट हैव टू मिनट्स, तो 8 o'clock इज द एंड टाइमिंग, तो वी विल जस्ट ओके ओके हाँ, बट यू कैन स्टे फॉर अ मिनट, जब तक मोआ जी ज्वाइन करती हैं तब तक आप रुक जाइए। ओके सर, मोहा जी आ गई क्या, देखते हैं। ठीक है मोहा जी, अब उतना समय नहीं है कि हम प्रतीक्षा करेंगे, वी वयम प्रतीक्षा न करामह, तो जब भी हमको बोलना होता है हम, तो जैसे मुझे बोलना है मैं, आई, तो वो अहम है, आई, आवाम, वी बोथ, हाँ, वी टू, या वी टू, और वयम, हाँ वी बोथ जो आपने बोला वो भी करेक्ट है, एंड वयम इज ऑल ऑफ अस, यस, ठीक है, तो हम क्योंकि अभी हम मल्टीपल लोग हैं, दो से ज्यादा लोग हैं, तो वी विल से वयम पठामह, तो मतलब हम पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, वयम लिखामह, तो हम सब लिखते हैं, तो यदि हम हाँ सर, तो अहम के साथ आप उपयोग करेंगे अहम लिखामि, अहम पठामि, अहम हसामि, लिखामि हसामि, हाँ, आवाम लिखा वह, और वयम रक्षामः, तो मह जो है आमह अंत में जो लगता है वो वयम के साथ लगता है, तो हम जब बोल रहे हैं वयम पठामः, दैट मींस ऑल ऑफ अस आर स्टडीइंग और रीडिंग। हाँ सर, उत्तम पुरुष बहुवचन है ना, हाँ, तो नाउ वी विल स्टॉप द टुडेज सेशन, कक्षा समाप्तम करोमि, ओ, आपको स्क्रीन दिख ही नहीं रहा था इसलिए शायद पता नहीं चल रहा होगा, नवीन महोदय अभी स्क्रीन दिख रहा है, मम जवनिका पश्य सीवा, स्क्रीन को जवनिका बोलते हैं अभिलाष जी, जवनिका, जवनिका, ओके, यवनिका या जवनिका दोनों चलेगा, हाँ, अग्रे सप्ताह सार्ध अष्टवादन पर्यंत कक्षा अस्ति, अग्रे सप्ताह सार्ध अष्टवादन, सार्ध अष्टवादन, अष्टवादन मतलब 7:30, सार्ध अष्टवादन 8:30, अष्ट అంటే 8 కదా, हाँ सर, అంటే పాదోన అవి చెప్పేటప్పుడు అట్లాంటి మారేటప్పుడు శుభరాత్రి, ఆప్ లోగ్ బాత్ కర్ లీజియే, మే డిస్కనెక్ట్ కర్తా హూ క్యూంకి ముజే దూసరి మీటింగ్ మే జానా హోగా అభి, శుభరాత్రి, పాదోనా అంటే పావు దక్కు, ఓకే ఓకే, శుభరాత్రి మహోదయ, శుభరాత్రి, పాదోన అంటే పావు తక్కువ 9, పాదోన నవవాదనం అంటే పావు 8:45 అలా, అదే కదా సార్, 8:45,
అలాగే ఎనిమిది భావం అని చెప్పాలంటే సపాద అష్టవాద సపాద సపాద అష్టవాదనం. ఓకే ఓకే సార్. అండ్ సార్ధ అంటే హాఫ్ అన్ అవర్, అది సార్ధ అష్టవాదనం అంటే 8:30 సార్? అవునమ్మా. ఓకే సార్. మీరు రీసెంట్ గా నేను చాట్ చేశాను, మీరు తెలుగు స్టేషన్ నుంచి అని అడిగాను. నీకేమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగమ్మా, తప్పకుండా నేను తెలుగులో వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తాను, అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఏమైనా సంస్కృతం పట్ల ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే, నేను నేర్చుకుంటున్నాను, నాకు నేను పెద్ద విద్వాంసుడినని కాదు, కాకపోతే నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చెప్పగలను. నువ్వు ఎక్కడ 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 ఏ ఊర్లో ఉంటావు? మేము ఉండేది నెల్లూరు జిల్లా సార్. ఓ నెల్లూరా, ఉత్తమం. నాకు నెల్లూరు చాలా ఇష్టం ఎందుకో. ఉత్తమం ఉత్తమం. ఇది కేంద్రీయ విద్యాలయ స్కూల్ ఉంది కదా సార్, అందులో చదివాను నేను 6వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు. తర్వాత ఇప్పుడు బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను సార్. ఎక్కడ చదువుతున్నావమ్మా? కడప జిల్లా సార్. ఇది కడప జిల్లా. ఏపీటీ ఆర్జీకేటీ ఉంది కదా సార్ కాలేజ్. చదువుతున్నామా బీటెక్? ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ సార్. ఓ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, నేను అదే చదివాను బీటెక్ లో. కాకపోతే నేను చదివి 25 ఏళ్ళు అయింది. 25 ఏళ్ళు కాదులే, 23 ఏళ్ళు అయింది, 22 ఏళ్ళు. ఇంకా సరేనమ్మా, ఇంకా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే నువ్వు అడుగు. నువ్వు సంస్కృతం బడిలో నేర్చుకున్నావా, కేంద్రీయ విద్యాలయంలో? నేర్చుకోవడం అవును సార్, కొద్దిగా నేర్చుకున్నాను. అంటే బేసిక్ కన్వర్సేషన్స్ ఉంటాయి కదా సార్, అదే అదే. భవతః నామకిం? అవును సార్. భవాన్ కుశలం వా, సర్వం కుశలం వా, అలాంటివి సార్. మళ్ళీ అంటే డిఫరెన్స్, ఒక అబ్బాయిని అడగాలంటే భవతః నామకిం అంటాం, అమ్మాయిని అడగాలంటే భవత్యాహ నామకిం, అలాంటి డిఫరెన్సెస్. అవును అవును, అలాంటి తేడాలు తేడాలతో. కానీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లుగానే ఎక్కువ మనం ఒక భాష నేర్చుకోవాలి అంటే ఆ భాషలో సంభాషిస్తూ ఉంటే ఎక్కువ త్వరగా వస్తుంది. అవునవును సార్. నేను మా స్నేహితులు ఇంకా వాళ్ళంతా ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడాలి సంస్కృతంలో అని అనుకుంటాను, కానీ ఒక్కరు కూడా సంస్కృతం నేర్చుకునేదానికి ప్రయత్నం చేయట్లేదు సార్. కేవలం ప్రయత్నం చేయట్లేదు అంటే మరి వాళ్ళకి దాని విలువ తెలియదనే కదా. అవును సార్, పట్టించుకోలేదు సార్. అది జస్ట్ కేవలం అది ఒక సబ్జెక్ట్ అని, అదే సబ్జెక్ట్ అని వదిలేసి సార్. సార్ తర్వాత ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఇంకా. అవునమ్మా, అలా మేము అలా చేసిన వాళ్ళమే చిన్నప్పుడు. కాకపోతే ఎందుకు మాకు తెలియక చేసిన పని అది, అంటే ఇంత ఉత్తమమైన భాష సంస్కృతం అని తెలియక చేసిన పనే, కానీ కావాలని తెలిసినా కూడా వదిలేసే రకం కాదు ఇంకా. సో అందుకే వాళ్ళని వాళ్ళదే తప్పు అని కూడా మనం అనలేము. అంటే మన విద్యా సంస్థ ఎలా తయారైందంటే, ఇంత గొప్ప భాషని మనము వదిలేసుకునేలాగా చేసింది అనమాట. సో అందులో చాలా ఉన్నాయి, విద్యా సంస్థలే కాదు మన తల్లిదండ్రులు కూడా మనకి ఆ భాష ప్రాముఖ్యత తెలపకపోవడము. సో అసలు మన అన్నిటికీ అమ్మ భాష అది. అసలు అసలు ఆంగ్లం వాళ్ళు మన దేశాన్ని వదిలేసి వెళ్ళినప్పుడు, మనల్ని బానిసలుగా ఉంచుకొని మన దేశాన్ని వదిలేసి వెళ్ళినప్పుడు, ఎవడైనా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినాక వాళ్ళ భాషని మన భాష
మన దేశానికి దేశాన్ని కలిపే భాషలాగా ఎవరైనా చేస్తారా? అది చేసింది నెహ్రూ చేశాడు అట్లా. అలా చేయకుండా సంస్కృతం ఎప్పటి నుంచో ఉంది, మన మన భాషలు అన్నిటికీ మూల భాష సంస్కృతం. ఆ సంస్కృతాన్ని మన మన దేశాన్ని కలిపే భాషలాగా చేసి ఉంటే ఎంతో విజయం సాధించే వాళ్ళం ఈ పాట గల. అవునవును సార్, ఎన్నో పురాణాలు కూడా ఇతిహాసాలన్నీ సంస్కృతంలోనే రాయబడ్డాయి. ఆ పురాణాలు ఇతిహాసాలే కాదు, వేరే శాస్త్రాలు కూడా కదా, ఆయుర్వేదం అని అందులోనే ఉన్నాయి ఎన్నో. మన పుస్తకాలు తీసుకెళ్లి వీళ్ళు నేర్చుకున్నవి చాలా ఉన్నాయి. ఆ నేర్చుకొని మళ్ళీ తిరిగి మనకే చెప్తున్నారు వాళ్ళు. సో మనమేమో వెనక్కి పడిపోయి వాళ్ళు చెప్పింది మళ్ళీ మనం వింటున్నాం గొర్రెల మందలాగా. పర్లేదమ్మా, నీకు ఎవరైనా ఒక్కలైనా దొరుకుతారేమో ప్రయత్నించు సంస్కృతంలో మాట్లాడడానికి. దొరికితే వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి, ఎవరు దొరకట్లేదంటే నాకు ఫోన్ చేయి. నేను ఖాళీగా ఉంటే నీతో ఒక 10 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు మాట్లాడదాం. అలా రోజుకు ఒక 5-10 నిమిషాలు మాట్లాడినా చాలు. అవును సార్. మా స్నేహితులు అంటే ఇంకా అందరూ వదిలేసారు సార్, నేను అక్కడనే పట్టుకున్నాను సంస్కృత. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు సంస్కృతం మాట్లాడే వాళ్ళు అంటే వెతికితే ఒక్కరు కూడా లేరు ఇప్పుడు. అందుకని నేను సోషల్ మీడియాలో ఫేస్బుక్ లో వెతికాను అన్నమాట సంస్కృత క్లాసెస్ అని. అప్పుడు ఇలా సార్ కాంటాక్ట్ అయ్యారు నాకు, గ్రూప్ లో యాడ్ చేశారు. తప్పకుండా నీకు నీతో అంటే నీతో వేరే ఇవి కూడా ఉన్నాయి, వేరే మాధ్యమాలు కూడా నేర్చుకోవడానికి కొన్ని. కానీ ఏ మాధ్యమంలో చేరినా మనం పెట్టాల్సిన శ్రమ మనం పెట్టాలి కొద్దిగా. అవును సార్. అందులో ఇంకా సులభంగా చేసేది ఏంటంటే మాట్లాడడానికి ఎవరైనా ఉంటే, అదే భాషలో మాట్లాడడానికి ఎవరైనా ఉంటే త్వరగా వచ్చేస్తుంది భాష. అంతేకాకుండా గురువు కూడా ఉంటే మేలు, అంటే గురువు నుంచి కొంత స్వయంగా చదువుకుంటూ కొంత కాలక్రమేణా కొంత స్నేహితులు కొంత అలాగే నాలెడ్జ్ వస్తుంది. అవునవును. సరే శుభరాత్రి, నీకు జాగ్రత్తగా ఉండండి. శుభరాత్రి, సెలవు.